then somewhat like this it will look. Just imagine. So if anyone of you wants to see the unboxing of this Oppo Watch a glowing dark wala strap, then you guys can go and watch my last video. Maine usme strap ko unbox kiya hai. Actually 46 mm hai, lekin strap to dono ek hi hai. So welcome back to my channel everyone. I hope you're doing great. Aur bade hai raha dekhne ke baad mains 5 dino baad finally deliver ho gaya hai. And this strap is looking amazing because iski quality bhi kafi mast hai. Aur to agar unboxing dekhni hai then jao mera लास्ट ब्लॉग देखो, मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन है प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सो आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हो. अब जरा मैं मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ. और एक और बात, ये भी तो पिछले वाले ग्लोइंग डार्क वाले स्ट्रैप की तरह ही एकदम ब्राइट होता है नाइट में. आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा मेरे हाईलाइट्स में, लेकिन वो पार्ट अभी रात को शूट होगा इसीलिए. बट स्टिल मैंने इसे कल रात को पहन के सो गया था एंड लाइक दिस वॉज रियली डैम ब्राइट. मुझे एक हद तक तो ऐसा लगा कि मुझे फ़ोन के टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं है. इसका ग्लोइंग डार्क भी कमाल का है इसीलिए. सो या इन टर्म्स ऑफ ग्लोइंग डार्क, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, या फिर इन टर्म्स ऑफ वाइट स्ट्रैप, दिस इज़ एन अमेजिंग स्ट्रैप. आप लोग आराम से ले सकते हो. अपनी तरफ से फुल 5 स्टार है, थम्स अप है. इसी स्ट्रैप को लेना हो तो ले लो, काफ़ी मस्त है. लिंक डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर इसको खरीदना हो तो. अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के मेरे पास आई थिंक 3 लिंक्स है, लेकिन चेक करके लेना, मेरी वाली गलती मत करना. कौन सी गलती? जो मैंने मेरे इसके अनबॉक्स वाले वीडियो में कहा है वही गलती. और मेरे लास्ट व्लॉग में मुझे 2-3 लोगों ने कॉमेंट करके बोला कि लाइक भाई आपके व्लॉग में मतलब मेरा आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है. अब मुझे पता नहीं कि लाइक मेरे लास्ट व्लॉग के साथ क्या गड़बड़ हो गई. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जब वो पूरा व्लॉग मेरे टाइमलाइन में था पूरा बनने के बाद, तब शायद से पूरे व्लॉग में उसकी जो साउंड वेव्स होती है फिल्मों और हमें वो शायद कम हो गए थे इसीलिए, या फिर मुझे नहीं पता कि लाइक क्या हो गया. और इनफैक्ट मुझे हर्षिल भी बोला कि लाइक भाई तेरी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है. इसीलिए आज से आई थिंक आप सबको आवाज़ काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ी बहुत आवाज़ सबसे बढ़ा दिया करूँगा कंपेयर टू द सीन, या फिर कंपेयर टू द बैकग्राउंड में कहाँ हूँ उस हिसाब से. दैट्स इट. अभी तो सीधा क्लास पे हमेशा की तरह, पिछले 2 महीनों से, या फिर हाँ पिछले ऐसे तो 1-2 महीने से मैं सिर्फ यही बोल रहा था, अभी तो क्लास पे, फिर सीधा घर पे, फिर ये, फिर वो, लेकिन यही हो रहा है तो मैं भी क्या करूँ. सो इट्स 2 PM एंड आई जस्ट रीच्ड होम. अब मैं जाके खाना खाऊंगा और उसके बाद वापस आ जाना है 3:30 को. अभी स्पीच में आई डोंट थिंक कि मैं आज का व्लॉग मैंने एडिट कर पाऊंगा, सो लेट्स सी कि कैसे क्या कुछ बनता है. और उसके साथ साथ अभी आई नीड टू शो यू गाइस दिस ऑल्सो, इसका भी पता नहीं, मैं थोड़ा बहुत टाइम लेके फिर आप लोगों से मिलता हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई नीड टू एडिट दिस व्लॉग अभी के अभी, मतलब खाना खाने के बाद फटाफट, बिकॉज 3:30 हो जाना है एंड इट्स 2:08. आई जस्ट हैव 1 hour and 20 minutes. एट इन दी इवनिंग, या फिर मैं रात क्या कहूँ, आई जस्ट रीच्ड होम एंड इट वॉज अ वेरी फन डे, बिकॉज आज काफ़ी चिकोला लिम्पोपो हुआ. इट्स जस्ट फॉर माई मेमोरी, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस पार्ट. बट एनी वेज, अब मैं फटाफट आप सबको दिखा देता हूँ कि लाइक मेरा ये ओप्पो वॉच का स्ट्रैप कौन से लाइक पैकेज में आया था शांति से बैठ के. वैसे वो नाश्ते वाला सीन थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल था, बट स्टिल आई थिंक मैंने इसके पहले वाले क्लिप में ऐड किया ही होगा, और अगर नहीं किया तो मैं शायद से वो उसको ऐड करूँगा मेरे पोस्ट एडिट सीन में. बट एनी वेज, और ये जैसे कि मैंने कहा था कि इसका अनबॉक्सिंग भी सेम वैसा ही है, 46 mm जैसा ही. सो इसी पैकेज में आया था, बट एक और पॉइंट वो इस बबल रैप में आया था. सो या दैट्स द डिफरेंस इसके अंदर, देन उसके अंदर बबल रैप और उसके अंदर ये है, उसके अंदर मेरा बेल्ट. सो दैट्स इट, इतना ही कुछ था अनबॉक्सिंग के लिए. और अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट बंद करके कि लाइक आखिर वॉच अंधेरे में कैसी लगेगी ये ग्लो इन डार्क स्ट्रैप के साथ ओप्पो वॉच 41 mm. So are you guys ready to see the Oppo Watch 41 mm glow in dark? Check it out. ये कुछ इस तरीके की लगेगी. Just look fully glow in dark, अभी full intensity के साथ. Then somewhat like this, it will look. Just imagine how like amazing this is looking. और मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देता हूँ. Just check it out एक और बार. Fully 360 में आपको दिखा रहा हूँ and done. और कुछ ऐसी वॉच लगेगी निकालने के बाद. ये किया मैंने इसका डिस्प्ले ऑन, जस्ट सी हाउ ब्राइट इट इज़ आगे और पीछे दोनों जगह से. आई थिंक इट्स लुकिंग अमेजिंग राइट.
सो आई थिंक आप सबको ओप्पो वॉच पसंद आई होगी और स्पेशल यही ग्लो इन डार्क वाले स्ट्रैप के साथ ही। सो आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:10 इन द नाइट एंड आई हैव अ थर्ड हाफ। यस, थर्ड हाफ ऑनलाइन है कल की तरह। एक्चुअली कल भी रात को मेरा थर्ड हाफ था, इसलिए मैंने व्लॉग को भी आई थिंक शाम को फिर रात को एंड कर ही दिया था। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉय देन प्लीज लाइक, और अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन लाइक ही करके जाना। एंड साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो मेरी चैनल को बिकॉज आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग शायद से आ सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और नाम है मिस्टर ब्लॉगवर्स। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा होपफुली कल या तो फिर परसों। अगर मैं कल अपलोड नहीं किया ना वीडियो देन परसों शायद से अपलोड कर ही दूंगा। टिल देन गुड बाय सायनारा एंड दसवीं दादी। और मैंने कल इसीलिए कहा बिकॉज कल मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद वही काम के लिए जो कि है परसों 27th को, लेकिन इसको लिए मैं जा रहा हूँ एक दिन प्रायर में, एक दिन जल्दी 26th को ही शाम को। इसलिए मैंने कहा कि मैं शायद से कल व्लॉग अपलोड कर सकता हूँ अगर कल पूरा व्लॉग एडिट हो जाए, और साथ साथ ये देखो आप गूगल चालू हो गया, और अगर पूरा व्लॉग आई मीन एडिट हो जाए और अपलोड हो जाए तो ही, बिकॉज वाईफाई जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ नहीं। अरे हाँ भाई रुक जा। So, yeah, bye bye. But जो भी को आज का दिन तो काफी इंटरेस्टिंग था। अगर लाइक एवरीथिंग गोज फाइन, एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू माई प्लान, तो मैं आप लोगों से आज के दिन का सारी चीजें शेयर करूंगा आने वाले 6 महीनों के बाद। आई एम डैम श्योर अगर इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू माई प्लान देन एंड देन ओनली आई मीन देन एंड देन। So, yeah, bye bye.